दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। यदि आप एमएस एक्सेल में कुछ काम कर रहे हैं और आप प्रिंट आउट करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को, तो ये आपके जो प्रिंट एरिया रहता है उससे उतने कंटेंट आता है जितना कि लिखा ना रहे, उससे ज़्यादा लिखा रहे वो कंटेंट नहीं आता। तो सबसे पहले इसका डेमो देख लेते हैं। तो ये वर्कशीट का ये फाइल ओपन ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। इस तरह का है आपका लेआउट, ठीक है ना। तो बस कुछ आदमी नहीं करता है, बस क्या करता है इसमें क्लिक करता है और प्रिंट में जाता है और प्रिंट में इस तरह से क्लिक कर देता है। तो अपन प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार किस तरह से दिखाई देगा। तो पूरा हमको जैसे यहाँ पे लिखा है तो ये डिजिग्नेशन के तक आ रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट में और भी चीज़ें लिखी हुई है एड्रेस तक, ठीक है। ये सबको करना क्या है, इस तरह से सिंपल है। माउस को यहाँ रखिए ऐसे, और फिर सॉरी प्लस की तरह आइकॉन बनेगा, तो ऐसे माउस का एक बटन दबाना है एफ वाला, और फिर इस तरह से सेलेक्ट करते जाना है पूरे शुरुआत तक, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको आना है पेज लेआउट में, और फिर यहाँ से देखेंगे प्रिंट एरिया, इसको सेट प्रिंट एरिया पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब फिर प्रिंट टाइटल्स में देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पेज ऑर्डर, यानी कि डाउन देन ओवर, यानी कि नीचे से जब कोई पेज ज़्यादा हो जाए तो दूसरे पेज में प्रिंट हो जाए, और इसमें क्लिक करेंगे तो इसका मतलब कि ऐसे ऐसे प्रिंट होगा लैंडस्केप, तो जो भी पेज होगा तो नेक्स्ट वाले जो भी सेक्शन होगा नेक्स्ट वाले पेज में आ जाएगा, लेकिन हमको एक ही पेज में चाहिए तो पेज वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर लिखा है फिट टू ये, ठीक है ना। तो इसमें से क्लिक कर देना, और एक पेजेस तो है ही, और वाइड बाय 110, ठीक है। और पेज का साइज आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, जैसे मैं A4 साइज को सेलेक्ट कर लूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट का, ठीक है। तो अपन को पोर्ट्रेट में तो छोटा छोटा फॉन्ट हो जाएगा, तो अपन लैंडस्केप पे क्लिक कर देते हैं। अब फिर से प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करके देखते हैं किस तरह का दिखाई देता है। तो इस तरह का दिखाई देगा, सिंपल साफ इसको ऐसा करना है, प्रिंट पे क्लिक कर देना है और फिर प्रिंट पे प्रिंट आउट ले लेना है। तो मेरे में प्रिंटर अटैच नहीं है, तो PDF में इसको मैं सेव करता हूँ और डेमो लिख देता हूँ कुछ भी टाइटल नेम, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं, अब ये सेव हो गया। वापस से अपन चलते हैं, तो मैंने जो लिखा रहा अभी पेज रिफ्रेश करते हैं, तो लास्ट टाइम पे क्या था ये, इसका टाइम देख लेते हैं 12:03, अभी 12:03 हो रहे हैं, तो यही वाला था। इसको अपन ओपन करते हैं, तो इस तरह से देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हमने जो लिखा था वो यहाँ से यहाँ तक आ गया है। अब ये जो इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, इसके बाद मान लीजिए और भी कुछ इसके आगे का हो, ठीक है ना, इसके आगे के भी कुछ लिखे रहे होंगे कुछ डॉक्यूमेंट, तो ये नेक्स्ट पेज में आए तो नेक्स्ट पेज में करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो वही चीज़ है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। प्रिंट एरिया को सेट कर देते हैं और फिर प्रिंट टाइल्स में इस क्लिक करते हैं, और जहाँ पे पेज लिखा रहा है फिट टू वन पेज में फिट नहीं करना है हमको, एडजस्ट करना है, और फॉन्ट रहेगा 100% का, ताकि जो भी आगे की जो है नेक्स्ट पेज में आ जाए। और फिर शीट में इसे लिखा है ओवर देन डाउन, यानी कि इस तरह से प्रिंट हो रहा है तो ये नेक्स्ट पेज में आते जाए, ठीक है। हमको इसी टाइप चाहिए क्योंकि लंबा लंबा चाहिए हमको। अब पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप तो सेलेक्ट ही, फिट टू पेज वन अपन इसको सेलेक्ट किए तो 100% वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। अब प्रिंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ऑल पेज यहाँ पे जो है जैसा है रहने देते हैं और ओके करते हैं। अब फिर यहाँ पे भी मान लीजिए प्रिंट हो रहा है, हमने PDF में सेव किया है, नंबर लिख देते हैं 15:42:21, ये ऑटोमेटिक दो पेज में आ जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं इस तरह से, ये अब इसको ओपन करते हैं, तो फर्स्ट पेज का ये, उसके आगे का कंटेंट ये मंथ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो जैसा है वो मतलब आगे के पेज में इस तरह से आता है लैंडस्केप के फॉर्म में। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। इतना इस वीडियो में था, वीडियो देखने धन्यवाद।